ये तो प्राइमरी नहीं आई है पूरी योजना। हाँ पहुंचे है। हाँ जी सतगुरु तेरे मारू महला पहला। देख बढ़ता लाबिया दिया संगम झार, देख बढ़ता लाबिया दिया संगम झार। कंदे दिसना आवरी नार वार नकार, वंजी हाथ ना फेवटू जल सागर असरार। जब कोई शाहूकार कारखाना चलाना चाहता है तो पहला कोई मैनेजर रखता है, वो मैनेजर पावर से लेंदा है मैं इन शर्तों से काम करूंगा। फिर इंजीनियर रखते हैं, होर अफसर रखते हैं, क्लर्क रखते हैं, अकाउंट रखते हैं, कानून बनाते हैं। फिर ये देखते ने जो कारखाना फेल ना हो जाए उधर इंतजाम करने रिजर्व फंड वगैरह रख दें। इसी तरह जब मालिक ने एक खेल पाया, सृष्टि बनाई, फिर रचना का काम, रचना के चलाने का काल दे सुपुर्द कीता। उन्हें 3 शर्तां लगाईयां क्या कि जेड़े तेरे फकीर आन तिकता करामात दिखा के लोगों प्रभावित ना कर, जबरदस्ती नाम ना देन। दूसरा इन पिछले जन्म की खबर ना हो, हम जिस तकलीफ हो दे होइए सन पता होवे फलाना काम असी कीता सी तां तकलीफ है तो जरूरी है कि असी नहीं करांगे। उन्हें शर्त लाई दी है भी पिछले जन्मदिन खबर ना हो। तीसरी है कि जिथे कोई बैठा राजी रहे, गंदी ते गंदी जून वाले लै लो उथे राजी है, सूरबर्गे अपनी जून च राजी ने। मरन लगे हो इंसान खुड़ खुड़ करदा, कोई रोटी नहीं दिंदा ते टिप शाव नहीं जा सकता, फिर भी कहना मरां, उथे राजी है। उन्होंने होर की कीता है चलाने वास्ते, पाप और पुन का झाड़ पाया। पाप पुन बीज की पोट, ये बीज है जिन्हें सारी दुनिया चलती पई है। ये महात्मा चरणदास कहने पाप पुन के सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिठी होत खंडु खंड। विरले जन को होता है पाप पुन की सूझ, सोई उतरे भौजाल से बहुते रहे रूज। सारी दुनिया दे विच उलझी पई है, इस काया अंदर पाप पुन दोए भाई, दोवें मिलके सृष्ट पाई। दोवें मार जा इक घर आवे, गुरमत सह समावनी। जिन्ने असी कर्म करते हैं उसका नतीजा यह पाप है पुन्ना। जिन्ने साडे शरीर ने, जिन्नियां जूनियां ने, गधे घोड़े वगैरह लंगड़े लूले, ये सब कर्म के हिसाब नाल बने। हुण 3 किस्म दे उन्हें कर्म रखे ने। एक तकरीमान जेड़े सी हुण करदे आं, ते नतीजा अगे भोगांगे। एक प्रालब्ध जेड़े सी करके आए आं, उह नतीजा हुण भोगदे पए आं। एक उन्हें रिजर्व फंड रख छड्डिआ है ताकि जेड़े करेमान ने ओहदा फल ना मंगे, किस हिसाब नाल ओह खत्म नाल दी नाल हो जाण। प्रालब्ध नूं भुगत गए, कि बगैर कर्मा तो रख नहीं सकता काल। उन्हें एक सिंचित कर्मा का स्टोर रख छड़े, एक रिजर्व फंड रख छड़िया है ताकि कोई जीव निकल ना जाए। धरतराष्ट्र ने पूछा गया तू अन्ना क्यों है? कहना मैंने 100 जन्म का पता है, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिन्ना मैं अन्ना हुआ। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो उन्हें पता लग गया कि 6 या 7 जन्म के बीच कोई कर्म किया सी जिसका नतीजा हुण अन्ना होना पिया। फिर उन्हें होर की कीता सब मालिक के हुक्म, ऋषि मुनि पैदा करते, उन्होंने वेद शास्त्र बनाते, कानून बनाता, एदा फल है कर्म धर्म जारी करते, जिन्ने हैं सब एदे वास्ते बंधन ने, सब जंजीरा ने। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र पवित्र सौधन, जहां देखा ता जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते हैं। एक वीर साहब ने किया है, संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल मृत मंडल रच, 3 लोक विस्तारा, हर हर ब्रह्मा को प्रगटायो, ताही दियो सिर भारा, ठाव ठाव तीर्थ अच राखे, ठगवे को संसारा। बड़ा जीवन खेल लिखा कि जड़ा असली रास्ता तो बंदे कर छड़िया। जिन्ने ने कर्म धर्म नेम धर्म आचार वगैरह, जिन्ने ने सब ये उलिया उलिया चीजा ने, नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उल्ले व्यवहारा, जासे मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग न्यारा। वो जड़ा असली है वो रस्ते गुम कर छड़िया। वो सारे रास्ते ने गुम्मे कर छड़ देने। जो चंगे कम करता है चंगे जूने चलिया गया, सुरगन चलिया गया, माड़े कीते पैणी जूने चलिया गया, नरकां च गया। लेकिन 84 ना छुट्टी, जो पे काल प्यंत नर जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही, जो पे देवन के माही जाके उतरे, तो भी न छुटे कर्म मुक्त घर ना ला। महात्मा चरणदास कहने, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इंद्रपुरी में सिर पर मरना, ब्रह्मपुरी ने चलनी रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनसपताला। यही कृष्ण भगवान ने कहा, हे विधवा जड़ा कीड़ा जांदा है, कई दफा सुरगां दा राजा इंद्र बनया, कई दफा सृष्टि का करता ब्रह्मा बनया, अज कीड़ा है, फिर उन्हां सुरगां दा की फायदा। इसे करके जिन्हें त्रिलोकी तक के फकीर होए ने, उन्होंने कहा इस दुनिया इस तरह चलदी अनादि है, कदे सुरगां च कदे नरकां च, ये खत्म नहीं हुई, लेकिन अगे राह है। वो कहते इसी तरह चलती है कि सतयुग आ गया, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया, कदे सुरगत चलिया, कदे नरकन चलिया गया, लेकिन इसी तरह जारी है। त्रिलोकी दे दायरे तक किते सुख नहीं। महात्मा जगीन साहब अंदर गए, देखिया, उन्होंने लिखा है, पपीहा जाए पुकारे, पंछी नागे रोए, 3 लोक फिर आए, बिंदु लगे न कोई, त्रिलोकी तक देखन किते सुख नहीं। कहन, 3 लोक कर्मन के वश में, जो जो जन्म धरे, 10 अवतार भावी के वश में, सूर सूरत उभरे। एक वीर साहब ने किया, अब पढ़ी भाई, तन जब तक तन, हाँ, जब तक तन दे विच बैठा है, 3 तन ने आत्मा के, पहला कारण शरीर है, उधर सूक्ष्म शरीर है, उधर स्थूल है। जब तक किसी तन दे विच बैठा है, मन के दायरे च है, इन सुख नहीं। सुनो, गाते बाड़े शब्द दुखिया, क्या गृही दरागी हो, सुख देव अचारे दे, दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगल दुखिया, सबसे को दुख गुना हो, आशा तृष्णा सबको जाता है, कोई मह ना सुना हो, सांस कहो तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, दिन जय रात चलाई हो, अब्द दुखिया भुक्ति दुखिया, रंग दुखी विकृति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन दुखी हो। जड़ संत मन जित के मंद दर चो निकले ने मंदा दरा त्रिलोकी तक है। ओ सुखी ने त्रिलोकी ते पार जेड़े गए ने चौथे लोक ओ सुखी ने, नहीं तो सारी दुनिया दुखी है। ऐसी नहीं निरे सुरगा जाले भी सारे दुखी ने, इथे नो जरा आराम है लेकिन हन वो भी दुखी। जिमें बड़े बड़े आदमी समझते हैं बड़े सुखी होने ने, इस तरह वो भी दुखी ने, किते सुख नहीं। जेड़े फकीर मन दे दायरे च निकले अपने देश पहुंचे, जद उत्थे दी खुशी शांति आनंद ते प्रेम नूं देखदे ने, उन्हां दे इस दुनिया च आउण नूं दिल ही नहीं करदा। ये ऐसी गंदी देश, एक गंदे ते गंदा देश है। गुरु गोबिंद सिंह कहने दो ते एक रूप हो गयो, जितना भयो हमरा आवन को, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इन कह के इन लोक बिठायो। क्या कि जद मैं अड़सी मालिक थे भक्ति करके जब एक रूप हो गया अपने देश पहुंचा, तो मेरा इस दुनिया च आउण दिल नहीं करता सी, लेकिन मालिक ने ज्यों त्यों करके भेजा कि तू तो अपना छुटकारा कर लिया। उन्होंने समझाया शायद कोई मान जाए, कोई अपने देश पहुंच जाए, कोई सुखी हो जाए। एक कबीर साहब ने कहा कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, मालिक का हुक्म लेके आए हैं, पर वो हुक्म किसी ने मन्ने ही ना। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाया, सुख साहिब सेती कराओ कि जिन्हें थोनू भेजो बुलांदा पिया, खेल भी आपे पाया कढ़न भी आंदा, पर उन्हें खेल ऐसा काल ने पाया कोई सुनता ही नहीं, किसी ने सुनी ना फकीरां दी। शमश परेज ने कहा मेरा दिल इथे नहीं रहने करता, पर बादशाह ने करार करके आए इस करके इथे बैठा, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता इथे। जब इस दुनिया च आके साडी हालत नूं देखदे ने, अफसोस करते ने, क्या अफसोस कि किसी नूं अपने देश का पता नहीं, किड्डी खुशी और शांति का, किड्डे आनंद का, किड्डे प्रेम का। इत्थे दुखा सुखा दे देश दे विच फसिया पिया है, काल दे देश फसिया पिया, 84 धक्के खांदा पिया। रविदास दा आया एक शब्द, कहता मैं जिवें कोलंबस ने जाके दूसरा मुल्क अमरीका पालिया सी, कहता मैं एक ऐसा देश देखिया, एक ऐसा देश देखिया है जिथे खुशी खुशी है, खैर ही खैर है, शांति शांति है, ना उत्थे कोई माल है, ना टैक्स है, ना कुछ होर है, ना कोई दुख का लेस है नहीं। उन्हें तसली की ताके क्या शमशतुरेज ने इसी तरह दसे आके क्या कि उस जादूगर ने काल ने ऐसा जादू पाया है कि इन्हू निकल का राह कोई छड्या ही नहीं। आवारगी नविश दा खाना फरामोश दा गंदा पीरे काबली बस सैर कर देता जगह कि उसने साढ़े कर्मा च आवारगी लिखी है, दर दर पटना लिखे है। उसने ऐसा जादू पाया है कि निकलदा राह कोई नहीं छड्या। सोच लो करोड़ों जुगां दे जुग बीत गए, इस तरह दुनिया धक्के खांदी फिरदी है, कोई विरला ही गया मालिक दी दरगाह च, इस तरह धक्के खांदे फिरदे ने सारे। यही एक जगह उन्होंने लिखा बारहा बिसले गया रीदाम रोईदाऊं हफ्तों दो हफ्ताद पहलू दीदाऊं। क्या के हजारों दफा मैं घा की तरह उग गया, हफ्तों दो हफ्ताद क्या 84 पहलू देखे, क्या 84 लख की अजून भुगती है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बिरिया, चिरन काल ए देश गया। मुश्किल ना दे मिली है ए वक्त छुटकारे दा, अपने छुटकारे दा बंदोबस्त कर लो। कई जन्म कीड़ियां पतंगियां ने पाए, हाथियां दे घोड़ियां दे, कहने पट पट के आया ए वक्त 84 चो निकलदा। यही हुण गुरु नानक साहब कहंदे ने फिर पढ़वे दिया सुमंदर जार कंदी दिसना बुद्धा कहते हैं जहाज न कि सारी दुनिया मन रूपी जहाज बैठी है, पापा और पुन्ना दा माल भरिया है, और संसार समुद्र च रुड़ी जांदी पई है। समुद्र कैसा है जिदा कोई किनारा सही ना, उरला ना परला, कोई नहीं कह सकता कद दुनिया बनी कद खत्म होगी। ऋषिया मुनिया ने परले महापरले दे हिसाब लाए ने, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता किन्नियां हो चुकी ने तो किन्नियां होर होणगियां, कद दुनिया मुकूगी कद खड़ा छुटूगा, कोई नहीं कह सकता। एदा पता मालिक नूं है, खितवार ने जोगी जाने रुतमा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोए, कहने उसे नूं पता है बाकी किसी नूं पता नहीं, जुगां दे जुग हो गए बीत गए। इस तरह रुड़े जाने पए आ, उहदा कोई किनारा नहीं। हुण जेड़े समुंदर दा किनारे दा ही पता कोई नहीं, सोचो जेड़े किनारे दा पता कोई नहीं, उत्थे समुंदर उत्थे किश्ती दे पार लंघण दी या जहाज दे पार लंघण दी सूरत ही की है। हां नारवार न पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर असराल। असराल क्या भयानक है कि समुद्र भयानक है, किनारा है नहीं। जेडे दुनिया दे समुद्र ने उन्हें जहाज होंगे ने, दरिया किश्तियां होंगे ने, जहाजा के नाल कप्तान होंगे ने, उस हिसाब नाल जहाज में लै जाते किनारे ला देंगे ने। या किश्तियां मलाह होंगे ने, उन्होंने हथ बांस होंगे है, बांस ना देख लेंगे कितना डूंगा पानी है, वो हिसाब नाल इन किनारे ला देंगे ने। लेकिन जेड़ा साडा जहाज है उहदे नाल ना कोई कप्तान है ना कोई मलाह है, सुन्नी किश्ती रुड़दी जाती है, जहाज रुड़िया जाता है। जे पूर्व चो हवा आई तो पश्चिम में चला गया, जे पश्चिम चो आई तो पूर्व में चला गया, जे उत्तर चो आई तो दक्षिण में चला गया, जे दक्षिण चो आई तो उत्तर में चला गया। इस तरह सुन्ना रुड़िया जाता पिया। क्या मतलब? मन कदे कुछ बनता कदे कुछ बनता, कदे ग्रिस्ती बन जाता, फिर कहना ग्रिस्त तंग आता, फिर कहना जावे जंगलों जाइए, फिर उधर नठदा त्यागी बनता, उथे खाण नूं चाहीदा फिर ग्रिस्त बनी नठदा। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मैं कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। ये महात्मा चरण दास कहंदे ने, कबू ये मन होवे गिरी, कभी यूं मन होवे बिरी, कभी यूं मन होवे रोगी, कभी यूं मन होवे सोगी, कभी यू मन डौरा डोले, कभी यू मन टेढ़ा बोले, कभी यू मन उनका ऊंचा, कभी यू मन नक्टा बूंचा, कभी यू मन धुंध मचावे, कभी शील शिमा घर आवे। ये मन जति सती और सूरा, ये मन काशी पंडित पूरा, सब कुछ आप ही आए, आपे कुछ बन जान सब कुछ। कदे शराबां दी, कदे कुआबां दी, कदे सुरगां दी, कदे नेक कर्मां दी, कदे पैड़े कर्मां दी, ये ख्वाहिश रखी जांदा है, इस तरह रुड़ी जांदा है। हां जी बाबा जग भाथा मांजाल, बाबा जग भाथा मांजाल, कन्हे अफसोस सारी दुनिया महाजाल फंसी है, दुखी हो रही है। क्यों यही कहने में दुखी हो रही है, महाजाल फंसी है कि इलाज भी दस दिन कहने इलाज है क्या? हाँ गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाला, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाला। हुण जिहड़ा तां रचना दा कम है चलाउण दा, उह तां काल दे सपुर्द रखिया मालिक ने। लेकिन जिहड़ा जन्म मन दे कट्टण दा छडाउण दा, उह सतगुर ने, उह सतपुरुष ने, उह अकाल पुरख ने, उहने अपने हत्थ च रखिया। जिन्ने खंड ब्रह्मण ने सब काल दे हत्थ च दित्ते ने, खंड पाताल दीप सब लोया सब काले वस आप प्राप्त किया। निचल एक सदा विनाशी सो नेचल जो तिसे त्याइंदा, कि जिन्ने खंड पाताल दीप वगैरह ने ये सारे काल दे वस दिते ने, उह चलाउंदा पिया। उह आप नेचल ताकत है, जेड़ा उहनूं त्यावे, जेड़ा उहदी सेवा करे, जेड़ा उहदी भगती करे, उह अपना छुटकारा कर सकदा है। जिहदी असीं भगती करदे हां उस दा रूप बनदे हां। ये कृष्ण भगवान ने गीता च लिखिआ कि जिहड़ा भूतां दी पूजा करदा भूतां कोल जांदा, जिहड़ा पितरां दी करदा पितरां कोल जांदा, जिहड़ा देवी देवतियां दी करदा देवी देवतियां कोल जांदा, जिहड़ी मेरी करदा मेरे कोल आउंदा। इसी तरह वो हाज़िर नाज़िर ताकत वो शब्द गुरु जिन्होंने गुरु सिंह ने किया है, जागृत जोत जपे निस्वासर एक बिना मन नायक नाने, वही गुरु है। वो जागृत जोत कहो, शब्द गुरु कहो, जिन्हें सारी रचना की है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। कहने सतगुरु आप ही मेहर करे, इन कान फकीर मिलावे जो दरगाह जाता है। ये मेहनत करे, अंदर जावे, सतगुरु प्रगट करे, सच्चा नाम वो सतगुरु ने पकड़ावे, ताए दा छुटकारा है। सच्चा नाम की चीज है? हर एक मजहब अपने अपने नाम को सच्चा नाम समझता है। जे हिंदू ने पूछो तो वो कहेंगे ओम ओम, या राम राम, या कृष्ण कृष्ण, या सोंग सोंग। जे सिखा ने पूछो तो कहेंगे सतनाम, वाहगुरु। जे मुसलमानों नूं तो अल्लाह, खुदा। हुण इत्थे रौला पै गया, किहनूं सच्चा कहिए किहनूं झूठा कहिए। नहीं, जिहड़ा असली नाम है मुक्ति वाला, जिहड़ा मुक्ति वाला नाम है, वह लफ्ज नहीं, वह लिखण पढ़ ते परे है। जे लफ्ज हुंदे तां मालिक दी कौम नाल दोस्ती हो जांदी, इक नाल दुश्मनी हुंदी। सोच लो, असीं पंजाबी हां, साडे वास्ते पंजाबी दे ने अंग्रेज किधर जाण, मुसलमान किधर जान, जे अंग्रेजी दे होण असीं किधर जाइए। लेकिन वह जिहड़ा नाम है वह लिखण पढ़ ते परे, सब दे अंदर है, एक रूप च है। नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप दृष्ट नहीं आता, लिखण पढ़ ते परे है। जिहड़ा मुक्ति वाला नाम है, छुटकारे वाला है, ये जिहड़ा सी सिमरन करते हैं अंदर ले जाने वास्ते है। लेकिन वो चीज इस दुनिया दी नहीं, इस जग में नाम अलभ है। गुरमुख से मनाए वो किसी गुरमुख के अंदर प्रगट होता है। वो इस दुनिया की चीज है नहीं, वो शिशु मंडल जाके मिलता है। गुरु नानक साहब मिठनकोट गए, उत्थे मियां मिठा फकीर मिलिया, कर्मी धर्मी सी। गुरु नानक साहब ने फरमाया मियां मिठा, सच्चे नाम के बगैर जीव का कल्याण नहीं, जीव बंधना च रहिंदा है। वो कहंदे सच्चा नाम की चीज है? कहंदे सच्चा नाम एक मौलिक वस्तु है, कहण सुण ते परे है। कि फिर भी कुछ तो दसो, दसण वाली चीज है नहीं, फिर कुछ तो दसो। एक पासे लै गए, कहण लगे सुण भाई तैनूं कुछ सुणाई दिंदा? कहंदा जी नहीं, क्योंकि कर्मी धर्मी सी, हिरदा साफ सी होया विया। गुरु नानक साहब ने तवज्जो दित्ती तो कहने लगे जी मैनूं ऐ पता लगता है मेरे रोम रोम दे विच नाम दी लहरां चलदियां पईआं। रोम रोम रवे हर नाम, रोम रोम दे विच जर्रे जर्रे च। ये लफ्ज तो फना हो जाते हैं, वह फना के दायरे से परे है। ये तो ज्यादा ज्यादातर लोग तक काम करते हैं, बावन अखर लोक त्राय सब कुछ नहीं माए, ये अखर खिर जाएंगे अखर इनमें ना है। जिस वक्त मौत आती है, सोचो जिस वक्त मौत आती है तो की हुंदा है? जब चेतन सत्ते दी निकलती है, हत्था पैरों चो निकलती गई, जुबान चो निकली तो इन्होंने बोलना खत्म हो गया, अखा चो निकली इन्होंने देखना खत्म हो गया लफ्जों का, सोच लो। कन्ना चो निकले ने सुनना खत्म हो गया। अगे मन चित बुद्ध हंकार का स्टेशन है, उत्थे तो चितरना ही खत्म हो गया, अगे की गया? वो अगे कोई होर चीज है, ये लफ्ज इत्थे रह गए। ताहीं उन्होंने लिखे 52 अखर लोक त्राय सब कुछ नहीं माए, ये अखर खिर जाएंगे अखर इनमें ना है। वो लिखनपन से परे की चीज है, वह सूक्ष्म मंडलों जाके अगे मिलती है। वह किसी कान फकीर के जरिए सीखी जाती है, अंदर प्रगट की जाती है। पलटू साहब कहन कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकुफकार मिलन की राह बतावे। जब तक तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई। जिस वखर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो संतन से भी मिलते गुप्त चीज है, गुप्ता नाम वरते विच कलजू कटकट हट भरपूर रहा। वो नाम मुक्ति दाता है। वो इन्हां अखां नाल देखिया नहीं जाता, इन्हां कन्नां नाल सुनिया नहीं जाता, ये जबान नाल बोलिया नहीं जाता। अखी वाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजो चलना बिन हत्था करना, जीभा वाजो बोलना जीवित मरना, नानक खुख पछाण के तू खसम में मिलना। सारी दुनिया लफ्जां दे चक्कर च रह गई, लेकिन वो चीज ही कोई होर है। सोचो चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी मुल्क का, किसी कौम का, सब की पैदाइश का जरिया एक है, सब की मौत का जरिया एक, तरीका एक है। फिर मालिक को मिलने का जरिया अड अड क्यों ने? वो एको ही जरिया सब के अंदर है, वो जरिया सब के अंदर है। हाँ, गुर प्रसादी उबरे, सच्चा नाम समारा, गुर प्रसादी उबरे, सच्चा नाम समारा। सतगुरु है वो हिता, शब्द लंघावन हार, तीर्थ पवन ना पाव को, ना दल ना कार। बहुता जहाज में भी कहते ने, संस्कृत दे विच मल्लाह नूं भी कहते ने कि सतगुर मलाह है, नाम दा जहाज है। अगर इनको कान फकीर मिले, उन्हें तरीका दसे, ये मेहनत करके अंदर सतगुर प्रगट करे, उस सतगुर जिस फकीर ते कम लेंदा है, उस रूप के अंदर आके मिलता है, फिर इन्हें सच्चा नाम पकड़ाउंदा। अगे अनेका शब्द ने, अनेका नाम ने, अनेका बाणियां आ रही ने, अखां दे पिछे ख्याल नहीं, जिवें रेडियो च सारे आवाज़ां ने, कलकत्ते दी, बंबई दी, इंग्लैंड दी, अमरीका दी। इसी तरह जद अभ्यास करके अखां दे पिछे आउंदा, इत्थे भी अनेकां बाणियां ने, अनेकां नाम ने, अनेकां शब्द ने, सचखंड दा, नामी दा, इंद्रलोक दा, शिवलोक दा, ब्रह्मलोक दा। वो सतगुरु आप पकड़ावे तां पकड़ावे, इहदी अपनी ताकत नहीं, इहनूं पता नहीं भी किहड़ा है, वो आप कड्डे तां कड्डे। गुरु इक्को ही है, अगे भी अर्ज करी दी है भी गुरु इक्को ही है। शब्द गुरु वो मालिक आप है, सतगुरु आप है, सतगुर है, आप ही सतपुरुष है, आप ही सब कुछ है। सुन हृदय सतगुर सहदानी, सतगुर सतपुरुष को जाने, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। वो आप ही आदमी का चोला पाके नूं कड्डे तां कड्डे, बाहरले गुरु नहीं अंदर ले जा सकदे। वो आप ही बेशक लै जे, बाहरले तां राह दस देणगे, अगां कौन संभाल करू? अगे अनेकां शब्द किहड़ा कौन पकड़ाऊ? रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी। अजीब रड़बड़ है अंदर, कहना अजीब खेल है। बिखड़े दाव लंगा मेरे सतगुर, सुख सह सिद्धि कर जाते। उथे अजीब खेल है, कोई नहीं निकल सकता। वो सतगुर आप कड्डे तां कड्डे। इस तो अगे फेर कहा त्रिकड़ी का खेला है, ब्रह्म का देश है, काल का देश है, जिथे निकलण राह कोई नहीं। काल सब नूं हड़प कर गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर सब नूं खा गया। बागड़ शाह बोलते ने, एक दिन घोगड़ा सी रे, तीन लोक और 14 भवन, इस गोगड़ का राज सब नू खा गया। सोच लो उसे कौन निकल सकता है? सतगुरु अपनी मेहर ना कड्डे तां कड्डे, क्यों? गुरबिन त्रुटि सुटसी, सहज मिले सुख होए। सतगुरु आप कड्डे तां कड्डे, किसी दी ताकत नहीं। वो सतगुरु है, वो अंदर मिलदा है, फिर उन सच्चा शब्द पकड़ाउंदा है। कहंदे सतगुर मलाए, नाम दा जहाज है। हुण सवाल पैदा होया, किहो जिहा जहाज है? उन्हें अगे दस देने। हाँ, इत्थे पवन ना पाव को, ना जल ना कार, इत्थे सच्चा सच पाव, जल तारण हार। कहीं जिहड़े दुनिया के जहाज ने, वो तां लकड़ी दे, लोहे दे, तांबे दे, होर मैटीरियल दे बने ने, हवा नाल, पानी नाल, अग नाल चलदे ने। वो काहदा बनिया, काहदे नाल चलदा है? ये देश फना है, मिट्टी है, मैटीरियल है। इत्थे मैटीरियल काम करदा है। इत्थे पानी दा समुंदर है, वो जन्म मन दा समुंदर है। उत्थे मादा नहीं, वो सूक्ष्म मंडल ने। कहंदे उत्थे ना लकड़ी का काम है, ना लोहे का, ना तांबे का, ना किसी होर धात का, ना हवा का, ना अग का, ना पानी का। उत्थे सच्चे नाम का जहाज है। वो छुटकारे वाला, बाकी कोई छुटकारे वाला नहीं। हाँ, गुरमुख लंगे से पार पे सच्चे स्यों ने बुलाए आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए। कहते वो जहाज से कौन चढ़ता है, कौन इस संसार समुद्र चो निकलता है? कहते गुरमुख। गुरमुख किनू कहते ने? अस तो हरेक नू कहते बड़ा गुरमुख है। गुरमुख वो है जिन्हें अंदर शब्द गुरु नू प्रगट कर लिया, जिन्हें सतगुरु नू प्रगट कर लिया, जेड़ा ना तिना शरीर चो निकल गया ओदा नाम गुरमुख है। उत्थे जाके जद गुरमुख बनते दी अपनी रोशनी 12 सूरज दी है। 12 वर्ष उगवे सूर एनस बाजे अनहतूर। ये कोई छोटी हस्ती नहीं आत्मा, इतने कैद च है, बंधना चाहिए, पता नहीं अपनी हस्ती का। कहते जिन्हें प्रेम प्यार ना कमाई कीती, अंदर गए, रूह नू साफ कीता, वो गुरमुख बन गए, उन्होंने मुक्ति हो गई, छुटकारा हो गया। ये गल्लां दा मजमून नहीं, ये मेहनत दा मजमून है, अमल दा मजमून है, अंदर जान दा सवाल है, जिउंदे मरण दा सवाल है। ये काम ग्रंथां शास्त्रां दे पढ़न नाल नहीं हुंदा। जे पढ़न नाल हुंदा तां भाई सारा दिन पढ़दे ने, उन्हां दी मुक्ति हो जांदी। सोच लो, साडे पास नामधारी आ, वो कहंदा मैं सत्संग भी करदा, नाम भी दिंदा, लोग 16 पैरां च अखंड पाठ करते, मैं 7 पैरां च करदा, मगर अंदर शांति नहीं। शांति कित्थों आवे? अंदर नाम मिले, उहदे विच अमृत है, वो अमृत पीवे तां शांति आवे। कित्थों आवे? नाम मिले मन तृप्ते बिना मैं तिरक जीवास। सारे जल्दी जल्दी पढ़िया, हुण किसी ने 16 पैरां च पढ़िया, किसी 7 पैरां च जल्दी ते जल्दी पढ़न ते लग्या, बाकी क्या ख्याल कित्थे रहा? बाहरे बाहर रहा, बाकी अंदर तां नहीं गया। सोच लो, अंदर नाम नू प्रगट करे तो नामधारी बने, ता शांति आवे। कित्थों आवे? जिन्हू कोई कान फकीर मिलिया, वाकुफकार अंदर जान दा, ओदे हुक्म दे मुताबिक सिमरन करके इन्हें 9 द्वारे छड्डे, ख्याल नू अखां दे पिछे इकट्ठा कीता, अंदर सतगुरु आया, उन्हें सच्चे नाम नाल लिब लाई, ओ गुरु बन गया, ओदा छुटकारा हो गया, ओ मुक्ति हासिल कर गया। हां जी। आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए। जब तक रूह साफ ना होवे मालक दे विच मिल नहीं सकती। कोई चीज तुसी पानी च पा दो, दरिया सिटो, नहर सिट दो, समुंदर सिट दो, जब तो गल सड़ के पानी वर्गी ना हो जाए ओहदे विच समा नहीं सकती। इसी तरह रूह स्थूल बनी पई है, मन ते तन दे नाल मिल मिल के मटीरियल दा रूप बनी पई है। जब तक सारे बंधन चों ना निकले ओहदे विच आके मिल नहीं सकदी। जिन्हां जिन्हां प्रेम नाल कमाई कीती, गुरमुख बने, उन्हां दी रूह जिवें समुंदर च कतरा मिल के समुंदर बन जांदा, ओह ज्योति ज्योत मिल गई। हुण ज्योति ज्योत भी फर्क है। मालिक ने खेल ऐसा पाया है, कल नू हुक्म ऐसा दिता है, कमाल दा के रचना ही ऐसी कीती है कि धोखा ही धोखा है। जिवें हुण इत्थे सानू बैठे नू इस दुनिया दे परे कुछ पता नहीं लगदा। सोच लो, कुर्रे ऐसे बनाया, कुर्रे दे विच कुर्रा, कुर्रे दे विच कुर्रा, ऐसा कैद कीता पता ही कोई नहीं। जेड़े तां प्राणायाम वाले ने वो अंदर गए, प्राण चिद्धा आकाश से अगे नहीं जाते, इतने अखां के पिछे नूर देख के उन्होंने कहता ज्योति ज्योत मिल गई। वो जो इतने आया ना फकीर, वह भी कहता मैं नूर देखिया, बस मैं इस यही समझ लिया। जेड़े कुछ अगे गए, संसदल कमल च कह लो, तुरिया पच कह लो, उन्होंने कहा उत्थे जाके योगी योगीश्वर सी जेड़े ब्रह्म देश जाके, साध गति वाले पार ब्रह्म च, सहयोग वाले सचखंड नामी चौथे लोक च। ज्योति ज्योत ही फर्क है। इतने भी दुनिया धोखा खा जाती है। हाँ, दुनिया सारे लफ्जों के चक्कर च पई है। लफ्जों के चक्कर ऐसे पाए ने काल ने, इन्हू पता ही नहीं। ओही काल जिन्हों असीं काल कहने, दयाल कहते हैं। हाँ? कई जगह ऐसे ही है। हाँ, ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजय सच्चे रहे समाए। कहने असली ज्योति ज्योत किथे है, की गल है? कहे असली ज्योति ज्योत किथे है, सच्चे मालिक किमें समाई दा है? कि असली ज्योति ज्योत सहज अवस्था च है, जिहड़ी कि त्रिलोकी ते पार चौथे लोक च है। त्रै गुणा में सहज ना उपजे, त्रै गुण परम फुलाए। पढ़िए गुणिया ककथी जी मुड्डो कुथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरु पल्ले पाए। वो कद मिलती है गुरमती गुरमत नाल। इस तरह दुनिया च अनेक मत ने, लेकिन असली दो मत ने, गुरमत ते मनमत। सारी दुनिया मनमत दे विच है। गुरमत वो है जिन्हें अंदर सतगुरु प्रगट कर लिया, शब्दगुरु प्रगट कर लिया। गुरु अमरदास ने तो फैसला ही कर छड़िया, से मनमुख जो शब्द ना पछाणे। जिन्होंने अंदर शब्दगुरु प्रगट नहीं किया मनमुख ने, जिन्होंने कर लिया गुरमुख ने। सारी दुनिया ही मनमुख है, सारी दुनिया मन दे मतहत है, सारी दुनिया का गुरु परमेश्वर यही है। गुरमत वाला फकीर भी मुश्किल नाल मिलता, पहला तां जे मिल जाता फिर भी मनमत नहीं छड्डदा। बड़ी गलती है करदा, फिर भी मनमत नहीं छड्डदा। काटा तो यही है, सांझ फरमाया करते सी कबीर दा, ये तो गाथा अटपटी छटपट लखे न कोए, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होए। मन की खटपट नहीं मिटती। कबीर साहब ने क्या लिखा, ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई। जीव के संग काल को वासा, अज्ञानी जन गह विश्वासा। मन का क्या न कीजे कोई, मन जीव को भरमावे सोई। कहे कबीर मन जात कुमारी, मन को क्या न कीजे नर नारी। सारी दुनिया मन दे कहे चलती है, मन दे कहे खांदी है, मन दे कहे पींदी है, मन दे कहे भगती करती है। और केड़ा सब मन दे मता है, तो मन ही साडा दुश्मन है। सोच लो, इन्हें बड़े बड़े मार छड्डिया, इन्हें बड़े बड़े मार छड्डिया। मन ने सब नूं लुट गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर सब नूं खा गया। तां उन्होंने कहा, मन की मत त्यागो हरिजन, यह बात कठिनी। बस यही औखा है। अगर गुरमत वाला फकीर मिले, उहदे हुक्म दे मुताबिक चले, तां यह खट जांदा है। मन मत फिर भी नहीं छड्डदा छेती छेती। हां, सप पिड़ाई पाया बिक अंतर मन रोसा, लिखा पाया किसनो दीजे दोसा। अजीब खेल है इंसान के अंदर, अजीब राज ने इहदे अंदर। कोई चीज ऐसी नहीं जिहड़ी इहदे अंदर ना होवे। बाहर इलम ले लो, डॉक्टरी इंजीनियरिंग होर होर सारे दे अंदर ने। सोच लो सारे दे अंदर ने। इसी तरह जिन्होंने पूजदा भी है, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੂਜਦਾ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਏ। ਸੋਚ ਲਓ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, उस खजाने दे उत्ते सप हुंदा। जिने वो खजाना लेना होवे, वो या तो सप नूं पकड़े या मारे, तां खजाना ले सकदा। जद खजाना कड्ढण लगदा, जद सप फंकारा मारदा, जे डर के परे हो गया तो बस। नहीं डंग मारदा के छिद्दन दिंदा, या उहनूं पकड़े काबू करे या मारे तां ले सकदा। इसी तरह अंदर भी खजाने ते मन रूपी सप बैठा है। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਦੇ ਫੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਜਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? जे फिर भी करू या तेरे दादे परदादे फलाना कम करते रहे, फलाना कम करते रहे, फलाना तीर्थ करते रहे, फलाना, तू नवा चलाएगा। जे फिर भी कह भक्ति करनी है तो कल कम के में करेगा, जागेगा रात न, कम के में चलू, रोटी कितों खाएगा, सौ स्यापे जे बैठूगा जदे मूरे दुनिया के ख्याल लिया, जदे उठाऊगा जाए कम तो मका ला फिर करी भजना। सोच लो सारा ना हाल है, सारी दुनिया पिटती आती है, वड्डा मुकाबला इना करना पैंदा। किमें होगा कम, यह किमें होगा जदे उठा के फिर विशे विकारां चोरियां ठगियां होर होर एबां फसांदा है। वह पापा की मैल चढ़ी पई है, इनू आत्मा गंदी ते गंदी हुई है, मलीन ते मलीन होई पई है, मन भी मलीन हो चुकिया है, इनू गंदा करदा करदा आप भी मलीन हो चुकिया है। वह पापा की ज़ाहिर नूं भजन ते बैठण नहीं दिंदी, रोज पिटदे ने जिहड़े आउंदे ने, रोज चिट्ठियां ते चिट्ठियां आउंदियां, मन नहीं लगदा, मन छेती तां नहीं लगदा, इन्हां बड़ा सख्त मुकाबला करना पैंदा। हां, पूरब लखिया पाया कृष्णो दीजै दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने ना संतोष। जिस तरह असी पिछे फसलां बीजियां सी, वो दाने खांदे पए आ, अगे वास्ते होर बीजदे आ, हुण पिछले दा वधणा घटणा नहीं, अगे वास्ते फिर बीजदे आ, फिर खाने आ, फिर बीजदे आ, फिर खाने आ। इसे तरह ही असीं जिहड़े कर्म करदे आए आ, भोगदे आ, फिर पकड़दे आ, फिर भोगदे आ, फिर करदे आ, फिर भोगदे आ। जुगां दे जुग हो गए मालिक तो विछड़े, कर्मां दे जाल च ऐसी रूह फसिया, निकलदा राह ही नहीं कोई रिहा। इहनूं गंदी ते गंदी हुंदी गई है, मैली ते मैली हुंदी गई है। सोच लो हुण कर्मां दे जाल फसे, चंगे चाहे माड़े, हुण कर्मां नाल कढणा चाहदा, नहीं निकल सकदी। कर्मे कर्म छुटे नहीं, कर्मे कर्म ना जाई, कर्मे कर्म छुटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाई, होर वजदी ते वजदी, वजदी ते वजदी करी। वीर साहब ने क्या लिखिया, जीव जंजाला पड़ गया नौमन उलझा सूत, जिवें नौमन सूत उलझ जांदा है, उलझा पिया कोई कुबरे सावधान गुरबाए कबदूत। उस किरण दा हुक्म मन के पंसमन करे ता बेशक निकले, नहीं निकलदा है। साडा कोई दुश्मन नहीं, मन है बस, और कोई दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है, मन है और कोई नहीं। ये बड़े बड़े नु खा गया है, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया नु। ये मारे मोमना, ये मन मारे मीर, ये मारे साधका, ये मन मारे पीर, बड़े बड़े खा गया, किसी नहीं छड्या ने। सोच लो श्रृंगी ऋषि वगैरह जिन्होंने इन्होंने तप किते, 88,000 साल मुकाबला किया, उन्हें सही चीज ना मिली, मन दे दायरे वाले के रहे, ना निकल सके। प्राचर वगैरह पूर्ण योगी होके आए, नहीं निकल सके दे दायरे चो, बड़े बड़े खा गया। इन्होंने कहा मन ना झगड़ा, मन ना सत, मन जीते जगजीत। जिन्हें झगड़ा किया, जिन्हें एदा मुकाबला किया, जिन्हें जित लिया, उन्हें सब कुछ लभ लिया। ये मन का मुकाबला ही पहला भजन, और कोई भजन नहीं। पहले ना मुकाबला करना पैंदा है, यही नहीं बैठन दिंदा, पहले दादा यही मुकाबला करना पैंदा है कि आ भाई बच्चू आ जा, बह जा। बगैर डंडे ते दुश्मन कदे नहीं सीधा हुंदा। तां उन्होंने 12-12 साल पानी टोया, किली ना केस बनने ने। तां असीं कहने खा पी के मौजा कर लीए ते फिर कहिए भजन कर लीए, ये मुश्किल है। सोच लो वो नहीं कर सकते सी, जिन्हें मुकाबला कर लिया उन्हें सब कुछ है सब कुछ ये अंदर है, लेकिन है मन के दायरे से परे है। भी शरीर च डॉक्टर सवाल कर सकता है कि मैं इस पर सारे चीर चीर के देख लेंदा तो कुछ नहीं लभ्या। वो भी ठीक कहने ने, वो मादा नहीं, शरीर नहीं, लेकिन है भी अंदर, लेकिन मन के दायरे से परे है। जिवें मिसाल के तौर पर रेडियो पे है, कैसे सोहने सोहने आवाजा ने, कैसे सोहने सोहने राग ने। जे रेडियो तोड़ो तो कुछ भी नहीं, ना कोई आवाज देने वाला, ना कोई आवाज। इस तरह हाय दे अंदर पर मन दे दायरे दे पीछे है। हाँ, मागर मत फिर पढ़। पूरब लखिया पाया किसनो दीजै दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने ना संतोष। है जरूर है मन ते दर्द दे पिछे कहंदे फिर एहदे मन ते सारी दुनिया दुखी है व्याकुल है, कोई इलाज कोई है? कहंदे है। क्या? कहंदे जिवें किसी नूं सप लड़ जांदा तां उहनूं की करदे मांदरी कोल लै जांदे ने, ओह की करदा है जां झाड़ा करदा जां दवाई दिंदा, कई दफा चीर फाड़ भी करदा, कई दफा कौड़ी दवाई भी खानी पै जांदी है। कहने जिहड़ा मांदरी उहनूं कहंदे गार्डू, जिहड़ा दवाई दिंदा या झाड़ा करदा उहनूं कहंदे गर्ड। इसी तरह मन रूपी सप दे गार्डू कौन ने? गुरमुख। ओह की दवाई दिंदे ने? हुण कौड़ी दवाई खानी औखी है, चीर फाड़ करनी औखी है, मन नाल मुकाबला औखा है। ओह कहंदे सिमरन कर, दुनिया दे सारे ख्याल कढ दे, सिमरन कर करके दुनिया के सारे ख्याल कढ, ख्याल नूं अखां दे पिछे इकट्ठा कर, इह देह चों निकल, जिउंदा मर। जिउंदा मरना किहनूं कहंदे ने? इह नहीं भी कबरां जाना है, इह नहीं भी कबरां जाना है, मसाणा जाना है। मौत दे वेले की हुंदा? देसां तल टुट गए, हां बाप भैन भरा दे टुट गए, ਇਹ ਦੇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਦੇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਧਰ ਬਈ ਤਾਂ ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲਣਾ। ਜਦ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏਗਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਕਰ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲਜ਼ਤਦਾਰ ਨਹੀਂ। जब लजत लाई है सारिया फिक्कियां लगन लग गई। जब फिक्कियां लगन लग गई आसा तृष्णा खत्म हो, झगड़ा ही मुक गया। कहते वो दवाई है जेड़े मन नूं काबू करने वाली, बाकी कोई दवाई नहीं। हां जी। अमृत अमृत तो सारे करते हैं। अमृत वो चीज है जी अमृत कर दे, वो अमृत के अंदर है। करी में अमृत भरपूर है, मन मुखा सार न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम भुलाया। वो अंदर है अमृत। हो ना उन्हें तो अमृत प्रभ का नाम दे ही में उसका विश्राम। वो अंदर जाके मिलता है जेड़ा हमेशा शांति दिंदा है, हमेशा तसली दिंदा है, हमेशा दी खुशी दिंदा है, जेड़ा मन नूं काबू करदा है, काम क्रोध नूं मारदा है, आसा तृष्णा मारदा। ओहदे अंदर है जेड़ी सारी भुखां गवांदा है। सच्चा नाम मेरा आधारो, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाईयां ओहदे अंदर है। काया नगरी में मंगण चढ़े जोगी का नाम पल्ले पाई। हां मादर मच बहाया फिर पछताए। हम मसाला दे दे समझाते ने क्या कि आत्मा जिहड़ी सचखंड दे रहण वाली है, मालिक दी अंश है, खुद बादशाह है, खुद मालिक है। किवें फसी है? कहने जिवें समुद्रां च बड़े बड़े मगरमच्छ हुंदे ने, उन्हां च एडी ताकत हुंदी है कि जहाज नूं टक्कर मारने ते टुकड़े टुकड़े कर देण। लेकिन मलाह की करदे ने कि कुंडी नूं गोश्त या कोई होर चीज ला के सिट दिंदे समुंदर च। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੜੱਪ ਦੇ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਗਲ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। सतपुरुष की अंश है। यह विषय विकारां दी लस्तां च फसी पई है, मिट्टी पलीत हुंदी पई है। विषय विकारां दी लस्तां च मिट्टी पलीत हुंदी पई है दी। सोच लो दुर्मत फाथा पाई है, फिर पछताए। किने फसाया इनू? किने फसाया मछ नू? जीभ दे स्वाद ने। असीं इक दफा राणीआं तों आंदे पए सी, शायद बाबू जी नाले होने ने। ओटू के पोते में साझी कहते भाई खड़ो इत्थे। असीं खड़ गए, उतरे, उत्थे मच्छियां फड़दे पए सी। हां, मच्छियां फड़दे पए सी। एक माछी ने कुंडी खिंची, कोई 3-4 फुट की मच्छी सी, वड्डी सारी। एडा मूंह दा फट गया ते ऐ तड़फदी है। उन्हें कीता नाके च होर इत्थे रस्सी जी पा के पानी छड्डती। होर भी उत्थे छड्डियां सी, क्यों कट्ठियां फिर ट्रक भर के लै जांदे सी। हुण किने फसाया? जीभ दे स्वाद ने। सोच लो एक जीभ दे स्वाद ने उन्हें फसाया। इहने तां 5 लगे पए ने। मिर्ग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश। 5 दोख असाद जामे ते की ताकी के तकासी। इहदा की ठिकाणा बोलो? एक ने फसा छड्डिया। सोच लो वो तो एक स्वाद सी, इन तो 5 लगे पे ने। मिट्टी पलीत है बेचारी आत्मा दी। जिमें वो तड़फदा है करती सी, ये भी है करी जांदा, जहर खाई भी जांदा है करी जांदा है। मर गया है, मर गया है, मर किसी शांति है? कहना भी है दुनिया कूड़ी है, लस्ता कूड़िया ने। सोच लो कहना भी है, लेकिन छड़दा तो नहीं। फिर भोगी जांदा, लस्ता लई जांदा, फसी जांदा, लस्ता लई जांदा, फसी जांदा। हां, दुर्मत फाथा पाई। सच बात फरमाया करते सी, खजार खाई भी जांदा ते है करी भी जांदा, बस छड़दा नहीं। हां, दुर्मत फाथा पाई है, फिर पछताए। जम्मन मरन ना सूझई, किरतना मेटिया जाए। हुण दुनिया की मोहब्बत च, विषय विकारां दी लस्तां च, इंद्रियां दे भोगां च, स्वादां च इन्ना मस्त हो गया, अपने आप की खबरें कोई नहीं। मैं कौन हाँ, कित्थों आया, किधर जाना सी, की करना है, की कर रहा, कोई होश ही नहीं। सोच लो होश ही कोई नहीं। महात्मा ने लिखा, तुम जात ना जान कुमारा हो। कि तेन तो अपनी जात का ही पता नहीं। को तुम आए, कहां ते आए, झूठा करत पसारा। तेन ये नहीं पता तू कौन है, कित्थों आया, किधर जाना सी, की करदा पिया। माटी की बूंद पिंड की रचना, तामे प्राण प्यारा हो। लोभ लहर में मोह की धारा, सृजनहार वसारा हो। के पंचता दा पुतला मिट्टी दा बनया है। ये ते कम लेना सी, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना सी, अपने घर पहुंचना सी। ये बेहोशी फिरदा पिया। इहनू कम लैण वास्ते इहनू पालना भी जरूरी सी। पालने वास्ते रोटी, कपड़ा, मकान, ठिकाना, ये लोड़ है। ये तिन्ना चीजां दे बंदोबस्त करदा करदा अगे ते अगे फसी गया, फसी गया, फसी गया। बंदोबस्त ते अगे ते अगे, अगे ते अगे, अगे ते अगे बंदोबस्तां च लगे रहा। ओह जेहड़ा असली कम से भुल्ले गया। सारी उम्र मिट्टी पालने च गुजारी। अपनी मिट्टी पाली, बाल बच्चों की मिट्टी पाली, कौमां मजहबां की मिट्टी पाली। मिट्टी मिट्टी च गुजारी। होरे ने कीता मिट्टी खाधी, मिट्टी पीती, मिट्टी पाली, बस मिट्टी आगे, मिट्टी मिट्टी मिल गई, बाकी क्या? सोच लो ने की कीता। सारी उम्र मिट्टी पालन च गुजारिया। मिट्टी पालन वास्ते फिर होर की कीता? 100 पाप कीते, चोरियां, ठगियां, रिश्ता, 100 स्यापे कीते, कतलो खून। सोच लो हुण पेड़े पेड़े कर्म करता, फिर फसदा। इन्हू पता ही नहीं मेरा कोई हिसाब होना है। अन्ने वाह करी जांदा, करी जांदा, करी जांदा, फसी जांदा। हां, हम विरख पाए जगत पाया, शब्द वसै विरख जाए। जरा सच रहे लवलाए। साढ़े को चिट्ठी आई, किसी प्रेमी ने कुछ दिन सेवा की। गया, कम चंगा चल पिया। जे चल पिया तो हुण खोटे कर्मां च पै गया। फिर इत्थे माफी मांग के गया, फिर इत्थे माफी मांग के गया, फिर वही हुण चिट्ठी हुण कम ठप हो गया, जमाई कम ठप हो गया। फिर चिट्ठी लिखदा है, मन तो इसी तरह करदा, कदे इधर कदे इधर। सच्चे सौदे की बदनामी है, कहणगे सच्चे सौदे वाले काम नहीं चल रहा। हुण इन्हां दुनिया हां दसो ये हाल है। फकीर इन्हां गल्लां दी परवाह करदे ने। तू आप नूं सिद्धरा हो, मन नूं सिद्धा कर, ओह तां करना नहीं ऐ ताने ने छड़दा ही नहीं है। विशेषकर छड़दा ही नहीं, कहंदे इह वी भोगी जावां, ऊं ही कम चली जाए बस। हां जरा फिर हमें बिक पाए जगत पाया, शब्द से बिक जाए। जरा जो ना सकई सच रहने वाले। कद काल ने सारा जग बना के वड्डी जहर केड़ी फैलाई है, इहदे विच हौमां दी, हौमां दी जहर वड्डी फैलाई है। इह कहंदा मेरा घर, मेरी जमीनां, मेरी जायदाद, मेरे धीआं, मेरे पुत्र, मेरे कौम, मेरे मज़हब, मेरे देश, ये मेरे मेरे जे मर गया, ये मेरे मेरे जे मर गया। मैं जे रोज़ असीं पढ़दे नाले, पढ़न दा मतलब इह सी किनू याद रहे। हम विच आया, हम विच गया, हम विच जम्या, हम विच मोया, हम विच सच्चार कूड़ियार, हम विच पाप पुन विचार, हम विच नरक सुरग अवतार। सोच लो ये हम जड़ी 84 च लई फिरदी है। हम दीर्घ रोग है, दारू भी इस माए, फिर क्या लाइलाज बीमारी है। सारी दुनिया हम फसी हुई है। मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मैं ए, मैं वो, मैं ये जानदा, मैं वो जानदा। सारी दिन मैं कर्मी, मैं धर्मी, मैं एडा तीर्थां ते जाण वाला, एडा मंदिर पूजण वाला, एडा ये करदा वो करदा। सोच लो कहंदे ला इलाज बीमारी हो गई है। पर कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। ओ हवा तां जांदी है जे अंदर शब्द गुरु नूं प्रगट करे। कोई मालिक मेहर करे, नूं काम फिर मिले। ये मेहनत करके अंदर जावे, शब्द गुरु नूं प्रगट करे, फिर देखदा वो शब्द सारे अंदर कम करदा पिया। सब रचना ओही करन वाला है, सब दे अंदर शक्ति ओही देण वाला है। फिर हमें जांदे नहीं जांदी। कह सारी दुनिया हम दे विच फसी पई है। हां जरा जो ना सकई सच रहे लेवलाए, सच रहे लेवलाए। ओ सच ताकत क्या, शब्द या नाम कह लो, शब्द कह लो, मालिक की कुदरती आवाज है। ओ मालिक भी सच है, आवाज भी सच है, रेडी भी इसकी तरह सारी है। लेकिन वो सुन का जरिया अंदर है। किसी कान फकीर ते पुछ के गुरु ने लिखा, साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सच होता है पछाणो। राम क्या, रमी हुई ताकत और शब्द गुरु रोम रोम च रमे है। सच्चा नाम कह लो। कहना ओ ना लिव लगे ताए दा खड़ा छुटे, ताए दे दुख दूर होना। नहीं दुख दूर होंदे तां फिर हवा जांदे नहीं जांदी। हां जरा जो सच रहे लेवलाए। जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचों हमें जाए। कल जिन्हें अंदरों हमें कड़ती ओ जोंदे मुक्त हो गया। हमें कड़नी सिखाली नहीं, हमें जान निकल दिया। पहले तो सारी चीजें दावा छड़े, यही वड्डी दीवार है साढ़े अंदर और मार्ग के दरमियान च। तन फिर का एक ही संगवासा बिछाओ में भीत करा रही वड्डी दीवार यही है। एक मुसलमान फकीर ने लिखे, म्याने आशक माशूक हेल हायल नेस हे छायल नेस, तू खुद हो जावे खुदी अजमिया बरखेस। कि तेरी खुद ही पड़दा अगे मालिक दे दरमियान, तेरे दरमियान च तेरी खुदा ही पड़दा। पहले तो यही नहीं सिखदा, हाँ मैं निकलने तो दूर पई है। पहले तो सारा दावा छटे भी मेरा इतने कुछ नहीं, ना तन ना मन ना बाल बच्चे ना जमीना ना जायदादा, सब सतगुरु दी। पहले तो यही सब नहीं पकाउंदा, मेरिया मेरिया लगिया पे ने, यही नहीं पकाउंदा। पर इथों ही नहीं निकलदा, अगे तो की है, इन्ना ही नहीं पकाउंदा, लब्बे ही नहीं पकाउंदा। सोच लो भी मेरा कुछ नहीं। पहले दादा छड्डे, फिर कहना ये सारा छड्डे, दादू दावा दूर का बिंदावे तिन कट केते सौदा कर गए। इस पंसारी दी हट लगी पई है, मैं कर दू मैं कर दू मैं कर दू, किसने कीता बड़े बड़े कर करके चले गए थे। सोच लो देख लो सारा दा हाल दुनिया च, अखबार पढ़ दो सही की है बला पई है, मैं लगी पई है, मैं सारे। पहले तो यही नहीं निकलता, ये सारी चीजें दावा छड्डे, फिर कहने दादू दावा आद का निर्दावा कैसा, दिल की दुविधा दूर का सौदा कर ऐसा। आद का दावा कर जिथे तू आया वो तेरा है। पहले ये सब पकावे मैं कड्डे, सतगुरु तू करावे तो करावे, सतगुरु तेरी मेहर नाले में बैठ सकदा, सतगुरु तू ही भजन करावे तो करावे, सतगुरु सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, बच्चे भी तेरे, औरतां भी तेरिया, जमीना भी तेरिया, जायदादा भी तेरिया, नंगा रख भुखा रख सब कुछ तेरा ही है, इज्जत भी तेरी बेइज्जती भी तेरी। पहले तो ये सब कुछ पकावे, फिर किते भजन में नहीं चल सकता है। असली जद निकलती है जद मन शब्द गुरु प्रगट करे, वो सच्चे नाम नूं प्रगट करे, देखते सारे नचरण दे विच कम करदा पिया, फिर निकलती है। रोम रोम दे चोई है संत, ये नहीं कहते मर के मुक्ति हो, वो कहते हुणे लै। साधो भाई जीवित ही करे आसा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा, मोहे मुक्त कहे गुर स्वारत। ये झूठा विश्वास, ये तो कोई पर ज्यादा है, ज्यादा हमें कड्डे सब सतगुर ते सिटे। सतगुर लत्तां भी तेरियां, बाहां भी तेरियां, कम भी तेरा, करन वाला भी तू। हाँ तावत जग बादया, सारे फसन दे खोलते भी आए थे, बला मन बैठी है। ए विषय विकारां ने फस गया जिवें ओ फसे मगरमच्छ, एक हौं वड्डी पई है। हाँ तावत जग अकला ने मार छड़े सारे ने। बस पहले तो ही माना बने, मालिक के बेनती करे कि मालिक मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, तू करे तो करे बंदोबस्त। इसे तो उन्होंने बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, के मासूम बच्चे की तरह बन जाओ ता तुम मालिक की दरगाह जा सकते हैं। हर के भट सदा सुखवासी, बाल सुहाए सदा उदासी। मासूम बच्चे मंग रहे ने मालका, तू करे तो करे, सानू तो पता ही कोई नहीं। ओदी मेहर ते बगैर तो फकीर नहीं मिल सकता। ये अपनी अकलां ने ढूंढता है, अकलां ना नहीं मिलता। पछाण करे जिथे तक अकल है, पर सतगुर ते सिटे मालका तू मिलावे तो मिलावे ता बेशक, वो मिलावे तो मिलावे, किसी ताकत नहीं। फिर अपनी अकल छड्डे, ओदे हुक्म दे मुताबिक पंज सिमरन करे, फिर भी मालक ते सिटे मालका तू करावे तो करावे। हाँ? ता बेशक कदम चले, नहीं चल सकता। हाँ तंदे तावत जग बादया, ना बूझे विचार, जम्मन मरन विसार्या, मन मुख मुगदगार। सारी दुनिया अपने अपने धंधे च लगी पई है, किसी नूं होश नहीं, अपने अपने जाल तान के बैठे, किसी नूं होश नहीं असीं कौन आ, कित्थों आए, किधर जाना, की करना की नहीं करना, किसी नूं होश नहीं। सब अपने अपने धंधे च लगी पई है। असीं किते जाना होवे तां 10 दिन पहलां तैयारी कर लैंदे हां, फलानी फलानी चीज चकनी है, फलानी आ चीज है। इत्थे फिक्रे नहीं किसी नूं, जिन्हें पूछो कहते फुर्सत नहीं, बस जिन्हें पूछो फुर्सत नहीं, जिन्हें पूछो फुर्सत नहीं, जिन्हें पूछो फुर्सत नहीं, जिन्हें पूछो फुर्सत नहीं। कमे इन्ने ने। एक दफा एक प्रेमी, पहले तो फकीर नहीं मिलता, जे मिल जाए तो सत्संग जी नहीं छेती आ सकता, जे आंदा तो गल नहीं अंदर रखता। प्रेमी जान लग्या, मसां जी कहते भाई कुछ टाइम त्याग कर। कहना जी की करिए, गृहस्थी है, की करिए जी गृहस्थी है। मसां जी कहते दिखा तेन किथे पट्टा लिख के दिता मालिक ने गृहस्थ दा, यही गृहस्थ भोगना, और कुछ करना ही नहीं। हाँ? वो भी कर, कोई वक्त भी कट, कि ठेके लेके बैठे हैं। सारी दुनिया ठेके ले बैठी है। बस कहीं सारे उलझे पे ने, अपने जन्म मन का फिक्रे किसी नूं नहीं मकाउण दा, बेगर्ज होई पई है दुनिया, बेगर्ज। मुसांज भी क्या कह सी, बेगर्ज होई पई है दुनिया, किसी नूं ख्याल ही नहीं। मन मुगदा, मन मुखा मुगदा गवार बनी पई है, किनू होश ही नहीं। हाँ कि मेरा कोई मौत आनी है, वो तो किसी ने याद ही नहीं। काल सिर ते खड़ा है, इन होश ही नहीं कोई। जम काल घड़ी मुहूर्त नाले अंदर आर्जा छीजे हो वक्त जांदा पे इन होश ही कोई नहीं। ये लगे पे अज कल बस बेहोशी च। हाँ जमन मर्म विसारे मरते तो देखता है अपनी मौत का किसम ख्याल है जी। आंदा तो कदे उपरों उपरों जी अंदरों आवे ख्याल ठीक आवे तो कुछ बैठे ना फिर डरे ना। हाँ जमन मर्म विसारे मन मुख मुगद गवार। किड्डी लानत मारते हैं मन मुख है मुगद गवार है बोल की कहन और इदू वड्डी लानत की मारन। हाँ गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार। कहते छुट्टन का कोई पाए नहीं कोई सूरते नहीं कोई लाज है नहीं। वो सतगुरे कोई मेहर करे कोई कान फकीर मिलावे वो ही मेहर करे। कोई रोज रोज सोबत करे मेहनत करे अंदर शब्द गुरु प्रगट करे ता तो छुटकारा होवे नहीं तो बस मसाज फुरा कर दी दरवाजे ते जाओ जदे भुला दा काल बस जदे भुला दा इथों हुण निकलो जदे उत्थे भुला दो बस। ये गल्लां उत्थे जेड़ छिड़ पैणगे कोई होर दियां हो रहे हो सारी गल निकल गई। इन्नी भी नहीं रहन दिंदा घर तक भी नहीं रहन दिंदा किसी ने। सूहट पिंजर प्रेम का बोले बोलनहार। सच चुगै अमृत पिए उबैताए कावार। सूट कहते ने तोते नूं कहने जिवें पिंजरे तोता हुंदा वो तरह तरह दी बोलियां बोलदा है मिठिया मिठिया आवाजां बोलदा है लेकिन रिहा तां पिंजरे दा कैदी। इस तरह रूह रूपी तोता भी तन दे पिंजरे च बैठा ये भी मिठी मिठी बोलियां बोलता है केड़ियां पुत्रां दियां तियां दियां औरतां दियां बाल बच्चियां दियां जमीनां दियां जायदादां दियां कारखानियां दियां इल्मां दियां अकलां दियां मानां दियां वड्याइयां दियां ओहदियां दियां सोच लो ग्रंथां दियां शास्त्रां दियां कर्मां दियां धर्मां दियां भगती दियां गल्लां मार मार के चले गए। छुटकारा तां ना होया जेल च तां ना निकलिया गल्ला कर करके तो सारे चले गए। कहते मिठी मिठी बोलियां तो सबने की है पर रिहा तो जेली छुटकारा तो ना होया। तो ना सोचा भी छुटकारा तो होया ही नहीं। उसे प्रेमी आना हुंदा सी गजराणे दा ओ आके सुनाया करता सी। अगर एक तोता किसी पिंजरे च कैद सी पंडित सवेरों ही कोल च लंघिया करे कहे राम जपो रे बंधन छूटे। वो भी क्या करे राम जपो रे बंधन छूटे। एक दिन फकीर आ गया वो कहने लग गया भाई उन्हें सुनिया तोता बोलता है राम जपो रे बंधन छूटे। कहना तेरे तो छुट्टे ना तू तो पिंजरे च पिया। कहना फिर आखे तू आए कर तू इच लेट जा ना कुछ खा ना पी आपे आजाद हो जाएगा। उन्हें इस तरह किया वो लेट गया ना कोई खावे ना पीवे। मालिक ने कहा तो गया उन्हें बाहर मारिया था वो जाके दरख्त पे बह गया बैठा था। पंडित आया सवेरों अगर राम जपो रे बंधन झूठे। वो कहना यूं मत कहो रे पंडित झूठे आखिर राम नाम तो सत है आखिर पर कुंजी संतां दे हत्थ है। हाँ ते वो तां नहीं छुट्टिया। हाँ क्या कहना है ये ना सामने फेर बेईमान ए बेईमान दे अंदर कोई माड़ा मोटा आया तो प्रेम बस नच पिया पे ए हजम नहीं हुंदा फिर पिटिया है बड़ा जान ना कुकियाणी दा। हाँ आहो बस हुण चुप कर। ओ बेईमान चुप कर हुण। हां हां सच चुगे। हां फिर बोल भाई। सच चुगे अमृत पिया उड़े ताए कार। अगर फकीरां दे संग चावे सतगुरु की बोली बोले क्या किन्ने सबक पढ़ाए मुसा जी ने। सारिया गल्लां छड़ दे कोई गल पकड़ लो बस सतगुरु 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 गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं नहीं होर। गल खत्म। आप मेट गुरु राखा जा बोले सब गुरु। आप मेट गुरु राखा जा बोले सब गुरु भाखा। गुरु गुरु रहे और कोई चीज न रहे। सारे ख्याल निकल जान। सब कुछ सतगुरु दा। इको सतगुरु जमीना भी जायदादा भी जो करे सतगुरु करे। इको गुरु गुरु रह जाए बस। अगर फकीर का हुक्म मन के अंदर गुरु गुरु रखे रूह तन का पिंजरा तोड़ के अपने वतन निकल जाए। इस तरह तोते की कहानी उन्हें मौलवी रूम ने लिखी है। उन्हें लिखा भाई एक हिंदुस्तान का तोता कोई बाहर के मुल्क लै गया सौदागर। काफी पैसा उन्हें खर्च किया। बड़े मिठी बोली बोलता सी। जब वापस हिंदुस्तान आने लग्या तो नौकरा चाकर ने पूछा भाई तुसी कोई चीज उधर मंगानी हो तो दसो। किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया। फिर तोते कोल गया। तोता कहने लग्या भी जब तू जावे तोतिया का कोई झुंड देखे तो उन्होंने कहना भी थोड़ी जात का एक तोता मेरे पिंजरे च कैद है। उन्हें अपनी रिहाई का बंदोबस्त पूछा कि इंसाफ है बे बगैर मिले हो मर किते मरना जावे। कि इंसाफ है कि तुसी तो हरी हरी घाह ते आजाद फिरो ते मैं पिंजरे च कैद रहां। एदा जवाब लेके आई। कहना चंगा। जदों आया एक जगह तोते बैठे सी। उन्हें यही गल करती। एक तोता फड़फड़ाया ते नीचे गिर गया। जब नीचे गिरया उन्हें कहा भाई ओहो ये तो कोई उहदा रिश्तेदार होना बेचारा तड़फ के मर गया दुख। खैर गया वापस सारा का समान दिता। तो उसने कहा मेरा कि तेरा वाला तो कुछ है नहीं। फिर भी अगर दसण वाला नहीं। अगर फिर भी तू दसता सही। उन्हें दसिया भी इस तरह हो मैं दसी गल ते वो फड़फड़ाया ते नीचे गिर गया। वो भी उसे पिंजरे च फड़फड़ाया ते उसे गिर गया। उन्हें होर दुख हो गया खड़ा। वह कहने लगे कितना कीमती तोता किन्ने पैसे लाए सी हुण यह भी गया। ओ तू तोते ऐह जिहा सी तू वह सी वो सी। उन्हें आखिर तोते नूं चक्किया ते मारिया परे बाहर। जद उन्हें बाहर सिटिया रखिया वह जदे उड़िया ते दरख्त ते बह गया। जदों दरख्त ते बैठे वह कहंदा तोता हुण तू आजाद तां हो गया। मैनूं दस तां जा तैनूं उन्हें की पढ़ाया तैनूं पढ़ाया की। कहंदा उन्हें मैनूं यह पढ़ाया भी तेरी मिठी बोली ने तैनूं फसाया और किसी ने नहीं फसाया। ये छड़ दे असि भी मिठी बोली जे फसे हैं। मेरे तीया है मेरे पुत्र है मेरा फलाना मेरा तिमड़ा है। ये आप ही फसी जाता और कोई भी नहीं। आप ही मोह पाई जाता है। आप ही देख देख बड़ी सोहनी चीज है बल्ला 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 इन्हों इत्थे रख लो भाई फस गया। सोच लो ही फसी जाता गां ते गां फसी जाता फसी जाता फसी जाता। छुटकारे वाला तो कोई है ही नहीं। आपे ही फसी जाता और की है। आपे जाल तानी जाता। उत्थे उदन उत्थे गए फतेहबाद अस बैठे इस तरह वो गड़बी पई सी फुल आनी चक्की। अस कहा भी देखो छोले जिवें पाद ने बांदरां नूं मुट्ठी निकलदी नहीं। जे मुट्ठी खोले तो निकल जाए बस। ये छड्डदा ही नहीं कोई चीज। मैं यहीं फसी जांदा फसी जांदा फसी जांदा। कहंदा अगर सतगुरु की बोली बोले को सतगुरु अंदर रखे ये तंदा पिंजरा टुट जाए अपने वतन उड़ के चले जाए। हाँ सच चुगे अमृत पिया उड़े ताए कार। गुर मिलिए कसम पछाणिए तो नानक मोख द्वार। कहना करे फकीरन संग चाह के सोबत कर करके अंदर सतगुरु सतगुरु रखे जिंदा मरे अंदर सतगुरु प्रगट करे तो सतगुरु ने दरगाह च लै जाए तो मुक्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए, नेक कर्म हो जाए। कोई नेक कर्म करने वाले नूं है ही नहीं, सो नेक कर्म ही जो शब्द विचारे जेड़ा अंदर शब्द गुरु प्रगट करदा वो नेक कर्म हुंदा, बाकी कोई नहीं। बाकी सब कर्मां दे जाल च फसे पए ने, सब कर्मां दे जाल च ने। जब तक कर्मां दे जाल च है एक कैद च है, इन छुटकारा नहीं। जब कर्मां दे जाल च शब्द गुरु नाल तलक पिया ये आजाद है, बस वो नेक कर्म करने वाला बाकी कोई नहीं। सच चुगाए अमृत पिया उड़े ताए कार, गुर मिलिए कसम पछाणिए, ओ नानक मोख द्वार। तो दुर्गा दुख रोनी बेचारे धन धन सतगुरु। आप बोलने लग गए नहीं जी? हाँ यही बोलता है, एक कड़ी बोल फिर कर। ना तू बोल कड़ी यार गम दिल नाल एवें बोल, बाजे दे ना, बाजे ना बोल। कौन किसे कोल आवे जावे ते बंदिया सतगुर लावे टोर, ओ तारा पानी अपनावे बंदिया तो मेरे शाह दे हाथ विच दो। ओ अब के बिछड़े फेर मिलेंगे प्रेमियों ते जब नदियां नाम संजो, ओ गम दिन नल ला रखिए ये तो चीज बगानी है, गम दिन नल ला रखिए ये तो चीज बगानी है। जिंदा राम दी जवानी है, वो शाम साने दा सनेड़ा है, जिंदा राम दी जवानी है, वो गम दिल नाल ला रखिए ते वो चीज बगानी। पढ़ता भाई सुना भाई। एक दिन परिश्रम करने पर भी आपको भोजन नहीं मिला, आपने साहिब को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार 7 दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। इब्राहिम था है, हजरत इब्राहिम बादशाह। हाँ। और बराबर आप साहिब को धन्यवाद करते रहे। 8वें दिन निर्बलता बहुत बढ़ गई, तब आपके मन में कुछ भोजन मिलने की इच्छा हुई। साहेब की कृपा से एक मनुष्य आकर खड़ा हुआ और विनय करने लगा कि आप मेरे जहाँ भोजन करने चलिए। उसके प्रेम और भक्ति भाव को देखकर आप उसके साथ गए। जब आप उस आदमी के घर पर पहुँचे तब उसके अमीराना खाट और मकानात के देखने से मालूम हुआ कि कोई बड़ा धनी आदमी है। उसने आपको एक सजी हुई कोठरी में ले जाकर बिठाया। फिर वह आपके पैरों पर गिरकर विनय पूर्वक कहने लगा कि मैं आपका मोल लिया हुआ दास हूँ, सो ये सब वैभव आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। ये सब तेरा ही है, हाँ? उन्होंने कहा सब तेरा है, मैं तेरा फलाना गुलाम हूँ। हाँ। इसे स्वीकार कीजिए। आपने उसी समय उससे कहा कि आज से मैं तुझे दासत्व से स्वतंत्र करता हूँ और ये सब माल अस्वाब भी तेरे ही को देता हूँ। हाँ। इतना कहकर आप वहाँ से उठ जंगल में रोटी भी नहीं खाती। हाँ। इतना कहकर आप वहाँ से उठकर जंगल में चले आए और साहेब से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज से तेरे सिवाय दूसरा कुछ न चाहूंगा, तू तो टुकड़े रोटी के बदले संसार भर की माया मेरे गले बांध। वो तो छड़िया कहता फिर पाउन लग गया सी फकीर ने ऐ त्याग किया कि कोई बिरला ही रहे माया दे विच छुट्टे, नहीं तो सब पकड़ लेंदी है, किसी नहीं छड़ सब पकड़ती है, बड़े बड़े नु खा गई है। ये गम है उन तो फिक्र पै गया कि मैं तो फंस गया, गम दिल ना लगे रहे माल का तेरे सिवा कुछ भी ना होवे। वो तोते वाली गल आ गई ना, नहीं तो फंस जा बस। हाँ कहते हैं कि आपने कोई विरला ही है वो जनक बादशाही चुंदा त्यागी सी। जिस वक्त सुखदेव आया पहले निंदे नुंदे करदा आया, उन्हें एक तमाशा दिखाया, क्या अब फलानी जगह अग लागी, कहना हरी इच्छा, फलानी जगह आ गई अखे हरी इच्छा, फलानी जगह आ गई अखे हरी इच्छा, अखे छावनी च आ गई अखे हरी इच्छा, अखे महला च आ गई अखे हरी इच्छा, अखे नाल दे कमरे च आ गई अखे हरी इच्छा। सुखदेव कहना हरी इच्छा करी जाता कोई करता था नहीं। जब अपना झोली डंडा चाके तुरन लग्या, झोली डंडा चाके तुरन लग्या सुखदेव, उन्हें बाहों फाड़ लिया, कहना तेरा तो झोली डंडे का फिक्र पै गया, मेरा राज सड़ गया। हाँ? मेरा राज सड़ता जाता है, तू तेन झोले डंडे का तू त्यागी है। कोई बिरला बेशक बचे नहीं तो तौबा। हाँ कहते हैं कि आप मन का दंड देने के लिए कई दिनों तक और भी भोजन नहीं किया। परवाह ना करे, जो करता सब ठीक है, जो करता ठीक है, बस अपना ड्यूटी देती बाकी भजन से। हाँ हाँ जी ये तो कावी तो चुरा दे ना, इन्हें खराब कर दे, पाड़ दे। हाँ दादी को जजड़ी है परता भी तेरी वर्दी गल लाल अगनहारी हूँ मैं तो कलमा तेरा पढ़ी वो सतगुरु दा सनेड़ा है जिंदे नाम दी जवानी है ओ सतगुरु दा सनेहा है सब ताने दी जवानी है जय यार नल लाल किए हर चीज बगानी है हम मिल नल लाल किए हर चीज बगानी है ओ संगोरी वाले दा सनेहा है संग तान दी जवानी मरना मरना सब जग के ते मरना जाने को ऐसी मरनी मर कबीरा जो बोर जन्म ना हो। राम गयो रावण गयो जाका बो परवार को नानक कुछ थिर नहीं सुपने जो संसार होके भी मेरे मुक गए होके भी मेरे मुक गए हिंजू भी मेरे सुख गए ये मौत बड़ी डाली ये सब ते आनी है ये मौत बड़ी डाली ये सब ते आनी है नल लाल किए हर चीज बेमानी है सतगुरु दा सनेहा है जिंदे जीव दिल के जज्बे उनके भी मौत सिर पे खड़ी है, हर वक्त याद रहे, समझौती पड़ती होगी, फिर जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, जरूर कुछ याद नहीं है था, ये याद नहीं। काल न सूझे कंध पर मन चितवे बवास, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। ओदी फांसियां तकड़ियां ने, याद नहीं किसी नूं, ओ सिर ते खड़ा कंधियां ते चिड़ा खड़ा है, कंधे दे ये कहना मैं आ कर ला याद नहीं हो। जिन्हों याद है उन जरूर काम रहूगा, उन चिंता फिक्र रहूगी। मालिक अगे बेनती करूंगा मेरे छुटकारे का कोई बंदोबस्त कर, कुछ बैठू भी, वो याद नहीं। काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरन करता पुरख काहे न संभाले सूर। सत साहब कहंदे ने क्यों सदा तूर बजांदा पिया, बाजे बजांदा पिया, बिगल बजांदा पिया, खड़ा आंदा पिया आंदा पिया आंदा पिया, कदे कोई सुनदा ही नहीं, होश ही नहीं किसे नूं। ओदा बचा एक कोई सतपुरुष है, वो सतगुरु है, बाकी कोई बचाने वाला नहीं। उन्होंने बड़े बड़े नूं खा गया, 3 लोक और 14 भवन में इस घुगड़ का राज, बड़े बड़े नूं खा गया। हाँ आवे बुलिया अब ओथे चलिए, आवे बुलिया अब ओथे चलिए, जिथे रहंदे अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मने। ताई मौत बड़ी डाली ए सारा ते आम है, ओए मौत बड़ी डाली ए सारा ते आमी है। गम दी गल लाग की गल जीत बेगानी है, सब तन दा सडेरा है, कमलता दी जवानी है। एक हरफ एक तवील हकायत से कम नहीं, एक बूंद एक बहर की बुसा अब से कम नहीं। निकले खलू से वक़्त अब निकले खलू से दिल से अगर वक्त में शब्द, एक आहा एक सदी की इबादत से कम नहीं। मर बैठता ये गम दिल नल ला रखी, गम दिल नल ला रखी, चीज बगानी है, सब तन दस लेरा है, संगता दी जवानी है। ओ डंगोरी वाले दस लेरा है, संगता दी जवानी है। सानू करना मेरी मेरी एक दिन आनी बारी तेरी, बंदिया मूर्खा ओ कानू करना मेरी वारी तेरी। ओ जिंदे राम ने सदा रहना, ओ शाम ताने ने सदा रहे, ओ सब दुनिया पानी है, ओ शाम ताने ने सदा रहना, सब दुनिया पानी है। ओ डंगोरी वाले ने सदा रहना, सब दुनिया पानी है। सतगुरु मेरा सदा सदा नारे ना जाए, वो अविनाशी पुरुष है, वो सब में यहाँ समाए, वो क्षमता ने सदा रहना, सब दुनिया पानी है। वो जबे राम ने सदा रहना, सब दुनिया पानी है। वो गम दिल नल ला रखिए, हर चीज बगानी है। युद्ध वजूद तेरा एगा फल जिसनू समझे पाए, जे मुर्शद लावे जाग प्रेम दा सदके जम्मे आ जा। उस मुर्शद दी कर इबादत जिक्र दी पकड़ मधारी, उठ मसरूर करे जे हिम्मत ता फिर मंत्र आया जाता। जे कम दिल नाल ला रखिए हर चीज बेगानी है, वो कम दिल नाल ला रखिए हर चीज बेगानी है। वो सब दर्द दा सनेरा है, सकता दी जवानी है। जिसने मैं लड़के नुजवाया, समस्त रेगते फतवा लाया, जिन्हें मोए लड़के को जिवाया, वो जिन्हें उल्टा पोल लगाया, मनिया हुक्म रवानी है। वो जिन्हें उल्टा पोल लगाया, मनिया हुक्म रवानी है। हुक्म दिल नल ला रखिए हर उल्टा पोश लहाया, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास। लेकिन जमाना इतना कहाँ गम शनास है, जब मैं उदास था तो जमाना था मुतमयन, अब मैं हूँ मुतमयन तो जमाना उदास। उल्टा पोश लगाया के मनिया हुक्मरानी है, वो जिन्हें उल्टा पोश लगाया के मनिया हुक्मरानी है। कम दिल नल लार किए हर चीज बगानी है। वो सच्चे सौदे वाले दा सनेड़ा है, संग सांदी जवानी है। आशिक छटन तख्त सुल्ताने, हथ काता फड़न गदारी, रख उम्मीद मिसाल सजना तक जो बन